भाइयों और बहनों, आपको एक बात और कभी भी भूलनी नहीं है, हमेशा हमेशा याद रखनी है। याद रखिए, और कोई भी गरीब मां का बेटा इसको भूल नहीं सकता है, कोई भी किसान का बेटा भूल नहीं सकता है, कोई भी आशा अपेक्षा के लेकर के जीने वाला नौजवान, मेहनत करके आगे आया हुआ नौजवान उस बात को कभी भूल नहीं सकता। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा ले, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ, और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और जल्द ही ये ट्रेनें देश के हर रूट पर दौड़ती नजर आएगी। जमुई के पुराने रेलवे स्टेशन की जो हालत है वो तो आप भलीभांति जानते हैं, अब जमुई का रेलवे स्टेशन भी आधुनिक बन रहा है। कुछ महीने पहले जब नए रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई गई थी तो सब जगह उसकी चर्चा हुई थी। वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बड़े रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट्स की तरह सुविधा युक्त होंगे। साथियों, अभी नीतीश बाबू बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, भाई चिराग बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, हमारे सम्राट जी बता रहे थे कितने सारे काम हुए, और मैं भी इतने सारे काम बता सकता हूं, शायद रात भर मीटिंग चलानी पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी भाइयों बहनों, ये मोदी है, मोदी की कुछ सोच ही अलग है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को, बिहार को बहुत आगे लेकर के जाना है।